हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 10 जुलाई 2024। आज मार्केट खुला तो एक ठीक ठाक नोट पे था, बट सडनली देयर वाज अ सेल दैट केम इन, और वो सेल इतना ज्यादा एग्रेसिव था कि मार्केट वाज वर्टिकली फॉलिंग अकॉर्डिंग टू अ न्यूज। आज उस 15 मिनट में इन्वेस्टर्स ने करीब 7 लाख करोड़ गंवाए। मार्केट ने वर्टिकल फॉल लिया था। इनफैक्ट मैंने एक स्टॉक दिया था एनटीपीसी, बाद में हालांकि मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिया, बट जो वो 15-20 मिनट 30 मिनट थे, दे वर वेरी वेरी स्कैरी मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कुछ विदेशी ताकतों का हाथ था, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो बिकम वेरी पावरफुल। द रिटेल इन्वेस्टर्स पर से हैव बिकम वेरी वेरी स्मार्ट एंड द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीजें इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स में आ गई है, और विदेशी ताकतों का जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एनीवे, बट आज जो था ना, मार्केट ने एक चेतावनी दी है, बोला है सावधान होने को। मैं किस लिए बोल रही हूँ, सामने आपके लगा हुआ है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने आज ओपन इक्वल, ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है, और आप देखिए आज इसने जो ये कैंडल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिन का जो मूवमेंट था, जो स्लगिश मूवमेंट था, उसको पूरा का पूरा इनगल्फ किया। मतलब मार्केट में आज वीकनेस दिखाई है, जो 5-6 दिन की स्ट्रेंथ थी उसको डिमोलिश किया, राइट? इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इवन आफ्टर द रिकवरी, ये आज भी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। सो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का मतलब है कि बियर्स आर डोमिनेटिंग। इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ खुला मार्केट, राइट? कहाँ खुला? इस जगह पे खुला, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की और फिर वहां से नीचे आया, और फिर इसने अपने लो को ब्रेक करा है, और उसके बाद एक वर्टिकल फॉल में आया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 9:55 टू अबाउट 10:40, ऑलमोस्ट लाइक फॉर अबाउट 45 मिनट्स, मार्केट वॉज इन स्ट्रेट फॉल। उसके बाद मार्केट थोड़ा संभला है और इसने ऊपर जाना शुरू किया। उस पीरियड में आप देखेंगे सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स थे, सारे के सारे बुरी तरह गिरे। जैसे मैंने उसी समय एनटीपीसी दिया था, एनटीपीसी को आप देखेंगे तो इसमें एक वर्टिकल फॉल आया था, बट By the end of the day, you know, the stock became much better. Like it kind of recovered and gained the strength. So, मुझे क्या लगता है कि at this point of time where we stand, देखो आप जब ये था तब ये vertical fall आया था, फिर उसके बाद इसने recovery दी है, right? But the thing is कि it hit our stop losses, but we can't do anything. When such a thing happens, we have no choice but to exit our positions. इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर बात करेंगे कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, एफएनओ सेगमेंट के, कैश के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। सो रडार पे मतलब ये मेरी बाय और सेल नहीं है, मेरी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट मीन्स कि किसी में ब्रेकआउट आ सकता है, आप जिनमें ब्रेकआउट आएगा उनमें ही आप ट्रेड कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो एज आई टोल्ड यू, निफ्टी में अब बहुत क्रूशियल लेवल है जो आज का हाई है 24,465 और 66। ये अगर क्रॉस होगा, या आई वुड से बी वेरी सेफ, 24,500 के ऊपर आपको एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई देगा। एक काम और करते हैं, चल के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो ये एनएससी की ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज ह्यूज कॉल राइटिंग दैट हैज हैपेंड एट 24,300, 24,350 एंड अ मैसिव कॉल राइटिंग एट 24,400 एंड 24,500। बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, और आप अगर पुट राइटर्स को देखेंगे तो दे हैव अनवाइंडेड देयर मेनी ऑफ द पोजीशंस, राइट? काफी इन द मनी अनवाइंडिंग है। मतलब 24,400 पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, 24,450 पे अनवाइंडिंग है, मतलब सपोर्ट विदड्रॉ हुआ है एट दीज लेवल्स, और कॉल राइट हुए, मतलब अब निफ्टी को थोड़ा स्ट्रगल रहेगा ऊपर जाने में, राइट? हो सकता है एक्सपायरी के बाद निफ्टी ऊपर चले, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स टू बी स्ट्रगलिंग, एंड देयर कुड बी अंटिल यू सी 24,500 कॉल अप राइटर्स यू नो रनिंग अवे, तब तक आपको इसमें मूव आता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द बैंक निफ्टी सेइंग। सो बैंक निफ्टी आप देखेंगे इज मोर बेरिश, राइट? और बैंक निफ्टी ऑल्सो स्टैंड ऑन अ ग्रेट सपोर्ट। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी खड़ी हुई है, सपोर्ट पे खड़ी हुई है, और बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 52,000 को अगर ये ब्रेक करके आधा घंटा रुक जाती है
तो आपको हो सकता है नीचे की तरफ का कुछ मूव आता हुआ दिखाई दे, एंड द टारगेट कुड बी समवेयर अराउंड 51,740। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो आपको ये लेवल जाते हुए दिख सकते हैं, और वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको लेवल जाते हुए दिखाई देंगे 51,300 के। तो ये लोअर लेवल्स के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए आपको 52,600 क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रॉस होगा तभी आपको एक बैंक निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करती हूँ मुझे कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और कौन से सेक्टर अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर दिखाती हूँ, दो सेक्टर जो मुझे बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक है कंज्यूमर सेक्टर, FMCG सेक्टर, राइट। FMCG सेक्टर ने आज अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, राइट। वहां पे हायर लेवल पे क्लोजिंग दी है। और दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है फार्मा। फार्मा ने देखो कितना लॉन्ग विक के साथ अपनी क्लोजिंग दी है। मार्केट इज प्रीटी बुलिश ऑन फार्मा। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कौन कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वोल्टास को ध्यान में रखूंगी। सबसे पहले हम वोल्टास को ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में इसलिए रखेंगे कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। इवन आफ्टर द मैसिव फॉल द स्टॉक हैज रिफ्यूज टू करेक्ट, राइट। देर हैज बीन अ प्राइस रिजेक्शन और स्टॉक ने लोअर लेवल से करेक्शन किया है, राइट। तो मुझे ये क्या लगता है इसको देख के कि देर कुड बी अ ब्रेकआउट इन द कमिंग डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने आज अपने अब जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके अपना क्लोजिंग दिया है। तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी वोल्टास में आते हुए दिखाई दे जाएगी वेन द डे हाई इज ब्रोकन, राइट। एंड आप पास सपोर्ट पे अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और पास रेजिस्टेंसेस पे अपने टारगेट्स लगा सकते हैं, राइट। बहुत लोग आप लोग बोल रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे पीछे के वीडियोस जाके देखो। देखो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, राइट। आई एम येट टू बी हैविंग अ क्लैरिटी कि मैं दे सकती हूँ स्टॉक्स के स्टॉप लॉस टारगेट एटसेट्रा और नॉट, वो मुझे क्लैरिटी अभी नहीं है। जैसे ही आ जाएगी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी और मैं देना शुरू कर दूंगी। फिर है गोदरेज कंज्यूमर्स। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो लग रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, राइट। हैव अ लुक एट इट, द वे इट्स डेवलपिंग, द वे इट्स डेवलपिंग इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आर एंट्री कुड बी अबव 1470। 1470 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको 5 to 10% का मूवमेंट इसमें जरूर आता हुआ दिखाई देगा। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा पास सपोर्ट जोन में रहेगा, राइट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद कोलपैक, राइट। तो सारे FMCG सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं उनमें शानदार बिल्टअप्स हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो कोलगेट पामोलिव हो, चाहे वो हिंद यूनिलीवर हो, चाहे वो मैरिको हो, चाहे वो डाबर, राइट। अगेन ये गिरते गिरते इसने चढ़ना शुरू किया, और अब आपको 3070 के ऊपर एक बाय का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। पास्ट बैरियर्स जहां पे भी है उसके ऊपर ही आपको बाइंग करनी है, अदरवाइज इट मे एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस। उसके बाद जो मेरे रडार पे है वो है मैरिको। मैरिको भी अच्छा लग रहा है, मैरिको लिमिटेड। सो मैरिको लिमिटेड मुझे अच्छा लग रहा है, किस लेवल पे अच्छा लग रहा है, हम यहीं पे बाय कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट रहेगा पास्ट बैरियर्स। सो करीब आपको यहाँ से 10-12 पॉइंट्स का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और ये स्टॉक जो है लगातार अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। अगर आप नीचे से देखते हैं तो ये लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है, और मैं अगर एक और ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में ही बना हुआ है, राइट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि प्राइस जो है ना आपको बता रहा है कि ऊपर चलने की तैयारी है। अगर थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिलेगा तो ये डेफिनेटली आपको मूवमेंट देगा। बहुत लोग आप बोलते हो कि लाइनें खींच खींच के ट्रायंगल बना बना के आप ट्रेड देते हो। नहीं सर, नहीं, ये लाइनें बाद में खींचती हैं। ये आपको सिंपलिसिटी से समझाने के लिए होता है। सबसे पहले डेटा देखा जाता है कि कितना बाय कितना सेल हो रहा है, क्या लेवल, क्यों, किस जगह पे बाय सेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, बायर्स एग्रेसिव है कि सेलर्स एग्रेसिव है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि डिलीवरी परसेंटेज कैसी है और किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट। तो कोई समरी वाज सेइंग कि आपने बोला कि हम सेटअप देखते हैं। सेटअप मींस कि बायर्स और सेलर का एग्रेशन देखते हैं, हु इज मोर एग्रेसिव, इज इट द बायर और द सेलर। व्हेन अ बायर डोमिनेट्स दैट्स व्हेन वी डिसाइड टू टेक एन एंट्री, राइट। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, आपको पास बैरियर्स के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है फार्मा सेक्टर का। तो फार्मा सेक्टर में आप सिप्ला को ध्यान में रख सकते हैं, और सिप्ला जो है लोअर लेवल पे डेवलप होने लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली डेवलप होने लग रहा है। और ये जो जगह है ये इसका पास का रेजिस्टेंस भी है, जो पास के रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाते हैं फ्यूचर में जाके। तो देखिए यहीं से इस स्टॉक ने एक बार यहाँ से आके सपोर्ट लिया था,
हो सकता है कि ये क्रॉस करने के बाद नीचे आए, रिट्रेस करे सपोर्ट पर ऊपर जाए। तो आपके पास एक बहुत शानदार स्टॉप लॉस है और आपके पास एक बहुत शानदार टारगेट है इस स्टॉक में, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद मुझे जाइडस लाइफ साइंसेस बहुत अच्छा लग रहा है। जाइडस इनफैक्ट फार्मा के सारे स्टॉक्स में बहुत शानदार डेवलपमेंट है। हैव अ लुक एट जाइडस। जाइडस इज लाइफ टाइम हाई एंड ब्रेकिंग पास बैरियर्स कुड बी अ गुड एंट्री एंड यू कैन मार्क द स्टॉप लॉस एंड द टारगेट कुड बी फ्री स्पेस राइट अनचार्टेड टेरिटरी। सो जाइडस लाइफ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद एक जो लास्ट स्टॉक दैट आई वांट टू गिव यू इज ऑरो फार्मा। सो ऑल ऑल यू नो स्टॉक्स आर लुकिंग प्रीटी प्रॉमिसिंग। सो ऑरो ने अपना पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है और अब ये अपने रिसेंट हाई को भी ब्रेक करके, इनफैक्ट आज जो इसने क्लोजिंग दी है इन स्पाइट ऑफ सच अ नेगेटिव मार्केट, इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है राइट। देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, देयर आर बायर्स सिटिंग एट द लोअर लेवल्स और इसने आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो आपको यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एक स्टॉक जो इन दोनों सेगमेंट का नहीं है और मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैंने सुबह भी दिया था, एनटीपीसी। इनफैक्ट ये जितने भी है, REC, PFC, NTPC, दे आर ऑल लुकिंग वेरी वेरी पावरफुल। देखिए अभी सुबह जो गिरा था नीचे, वापस बाउंस आया, वापस बायर्स हैव कम इनटू द पिक्चर राइट। अब आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी पास बैरियर्स के आसपास बनेगी और फर्स्ट टारगेट आपको पास बैरियर पे मिलेगा और उसके बाद जैसे ही ऑल बैरियर्स अब ब्रोकन, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव अप इन फ्री स्पेस। सो ये मेरे स्टॉक्स थे, वॉचलिस्ट थी फॉर FNO सेगमेंट। आप लोग बोलोगे बहुत सारे, तो 5,200 में से मैंने रिड्यूस करके आपके लिए 6-7 कर दिए। बस इनको रडार पे रखो, कुछ ना कुछ मिलेगा राइट। इसी तरह 5,000 के कैश स्टॉक्स में रिड्यूस करके आपके लिए 5-6 स्टॉक्स लेके आ जाऊंगे, वो आप लोग नहीं अप्रिशिएट करते। और आपने देखा आज फाइजर का ब्रेकआउट, NHPC का ब्रेकआउट, मार्केट वॉज अंडर फ्री फॉल। एंड हैव अ लुक एट द फाइजर, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, कल कल के हाई से आप देखो, इसने पूरा आपको 6-7% का मूव दिया है। फाइजर NHPC, हैव अ लुक एट इट एंड देन यू विल अप्रिशिएट दैट द रिसर्च दैट आई डू इज नॉट रियली, ऐसा नहीं है कि आपको हंसी मजाक में मैं दे देती हूँ, लाइनें खींच खींच के दे देती हूँ। एक बार और भी चेक कर लेते हैं कि हाउ डज विजया लुक्स, विजया डायग्नोस्टिक्स। सो विजया डायग्नोस्टिक्स ऊपर खुल के और नीचे आया, विजया डायग्नोस्टिक्स ऊपर खुल के नीचे आया। बट अगर किसी मतलब so we definitely didn't have any entry, but you still will get a chance to enter into it. उसके बाद TVS श्री चक्रा को भी देख लेते हैं। सो TVS श्री चक्रा ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट इट डिडंट सस्टेन, बट आर स्टॉप लॉस इज ऑन द ट्रेंड लाइन और आर एंट्री समवेयर हियर, सो वी आर इन अ सेफ जोन एंड विल हैव अ लुक एट इट व्हेन इट ब्रेक्स पावरफुली। IMFA हैज ओपन गैप अप एंड इट केम डाउन, सो दैट ऑल्सो अगेन नॉट अ एंट्री। सो दो स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, NHPC एंड फाइजर राइट। आउट ऑफ 6, 2 हैज गिवन 33% रिजल्ट एंड रेस्ट आपको एंट्री ही नहीं मिली। तो आपको लाइक यू कांट से कि आप मतलब रिसर्च वाज नॉट गुड एनफ। आप देखो ये 5 मिनट की पहली कैंडल और उसके बाद नीचे 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 चला गया। सो आर एंट्री डिडंट ट्रिगर एट ऑल, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। फाइजर एंड NHPC गिव यू गुड मूवमेंट। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, give a thumbs up, like, share and subscribe and keep sharing my research with other people. आपने चलते चलते RVNL में पैसा बनाया कि नहीं बनाया? Because RVNL ने 600 से लेके 618 तक का टारगेट दे दिया था, 3% का मूव एक सिंगल डे में राइट। गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई डू नीड योर सपोर्ट फॉर दिस। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।